आज का टॉपिक है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जिसे हम एक्साइज ड्यूटीज एक्ट भी कहते हैं। तो सिंपल आज के इस वीडियो में हम सिंपल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कब आया था, क्यों आया था। सिंपल इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके आगे के चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, लाइक डेफिनेशंस, ऑफेंसेस, पेनल्टीज जो भी हैं। तो ये एक्ट मेनली किस लिए आया था? इट इज़ द एक्ट विद प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, ओपियम, इंडियन हैम्प और अदर नार्कोटिक ड्रग्स। मीन्स वो सारी मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन जिनमें क्या किसका यूज़ हो रहा हो, एल्कोहल का, ओपियम का, इंडियन हैम्प या जिसको हम कैनाबिस भी कहते हैं, या कोई अदर नार्कोटिक ड्रग्स है, उनके कलेक्शन के लिए जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कलेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था। हुआ क्या था कि 1955 में हमारी कंट्री में ये एक्ट संसद में लाया गया था, और 1956 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने इस एक्ट के इस नियम को पास कर दिया गया था और ये एक्ट हमारे पूरे देश में लागू हो गया था 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, अब इस एक्ट को लाया क्यों गया था, इस एक्ट को लाने की रीज़न क्या है, हुआ क्या था कि जब इस एक्ट के आने से पहले, मीन्स 1 अप्रैल 1957 के पहले क्या था कि लोग के अंदर शराब पीने की बहुत आदत थी। मतलब लोग एक तरह से अभी भी लोग करते हैं, बट पहले लोग ज़्यादा करते थे। मीन्स कोई फाउंडेशन नहीं थी अल्कोहल को खरीदने की। ठीक है, नशे के लिए यूज़ करते थे। तो इस एक्ट को मेनली इसलिए लाया गया था कि इस अल्कोहल के जो भी स्टोरेज है, उसके प्रिपरेशन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, लोग क्या करने लगे थे, यूफोरबिक हो गए थे, यूफोरबिक भी नशे करने के लिए यूज़ करने लगे थे। ठीक है, टू कंट्रोल दिस, वहाँ पे इस सारी अल्कोहल के यूज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले कोई एक्ट नहीं था, इसलिए इस एक्ट को पास किया गया था। इस एक्ट में क्या हुआ था कि कैसे अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसका स्टोरेज करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल इस एक्ट के अंदर हुआ था। ठीक है, मेन किसके, ये एक्ट किसके, पूरी पावर किसके पास दे दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, सारे इंस्ट्रक्शन देखती है कि किस मेडिसिंस में जो भी अल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिंस हैं उनका प्राइस कितना होना चाहिए, उसका स्टोरेज कैसे होना है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मेन सिंपल ये कहने का मतलब है कि इस एक्ट को इसलिए गया था कि ताकि अल्कोहल का एक तरह से जो मिसयूज हो रहा हो, स्मगलर उसका मिसयूज कर रहे हो, उसको जो है रोका जा सके। होता क्या है कि पहले क्या था, पहले एक्ट आने से पहले कि हमारी जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस बनती हैं, तो जो ड्रग हमारी एज अल्कोहल एज अ डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, तो जो भी हमारी कुछ मेडिसिंस होती हैं जो वाटर में सॉल्वेबल नहीं हो पाती हैं, तो उनको क्या अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है। तो पहले क्या था कि कोई लिमिट नहीं थी, लोग मेडिसिंस के नाम पर ही अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खरीद लेते थे। कोई लिमिट नहीं निर्धारित थी कि हमें इतना ही अल्कोहल लेना है, खरीदने का कोई लिमिट नहीं था। तो उसमें उसको लेने के बाद लोग दूसरों को सप्लाई करते थे, उसका मिसयूज़ करते थे, स्मगलर को सप्लाई करते थे। तो इसी सारी इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में कितने चैप्टर थे? दिस एक्ट हैज 11 चैप्टर्स एंड 21। अब यही हमने आगे बताया कि अल्कोहल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव एंड अ थेरेप्यूटिक एजेंट। एल्कोहल क्या एक तरह से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जो भी हमारी ड्रग्स से एल्कोहल में डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें हम एल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं और ऐसे मेडिसिन प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव है, मीन्स प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोबियल अटैक से बचाते हैं। एज अ थेरेप्यूटिक एजेंट भी है, तो इट इज़ लाइकली टू बी मिस यूज एंड इट कुड बी अ ड्रग ऑफ एडिक्शन। क्या हो गया था, इसका मिस यूज होने लगा था और ये ड्रग ऑफ एडिक्शन हो गया था, मीन्स यूफोरिक ड्रिंक हो गया था। यूफोरिक ड्रिंक मीन्स यूफोरिक मीन्स नशे, नशा करना, मीन नशे की, एक तरह से नशे की ड्रिंक हो गई थी। ठीक है, नशे के लिए, पीने के लिए, नशे की तरह एक तरह से पीने के लिए यूज़ किया जाने लगा। इन द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्साइज पॉलिसी द प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिन वॉज वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट विद इन द कंट्री। हुआ कहता कि एक्साइज पॉलिसी जब तक नहीं आई थी, तब तक क्या था कि जो अल्कोहल का जो प्राइस स्ट्रक्चर है, जिन मेडिसिंस के अंदर ही अल्कोहल यूज़ होता है, उनका जो रेट है वो अलग अलग स्टेट में, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट में अलग अलग था। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया था, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड टू इंश्योर द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइज ड्यूटी फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट दिस एक्ट वॉज केम। मीन्स क्या हुआ था कि इसी को कम करने के लिए, मीन्स जो भी मेडिसिन थी, जो अल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिन थी, एक्साइज
गाइस पॉलिसी इन पे यूनिफॉर्म नहीं थी हर कंट्री में, इवन स्टेट्स में भी। तो क्या होता है, इनके जो रेट्स में भी वेरिएशन होने लगा था, उसकी वजह से क्या हुआ, इस एक्ट को लाया गया। और ये सारी पावर किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो भी मेडिसिन है, अल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिन है, उनका प्राइस कितना होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका स्टोरेज किस कैसे होगा। बस एक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि हर स्टेट में, मतलब रेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी हर जगह आ गई, मीन्स एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। ठीक है, इसलिए ये एक्ट आया था। द एक्ट वॉज पास्ड इन 1955 एंड द रूल्स वर पास्ड इन 1956। एक्ट कब आया था, 1955 में, हमारे जो संसद में हमारी 1955 में आया था, और पार्लियामेंट में हमारी 1956 में ये एक्ट को तरह से पास कर दिया था, नियम बना दिया गया था फॉर द कलेक्शन ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स। ठीक है, और ये पूरे देश में कब लागू हो गया था, कब से, 1 अप्रैल 1957 से। तो ये हमारा पूरा है कि ये एक्ट क्यों आया था, कब आया था, ये सिंपल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।